तो हे गाइस, बीसीसीआई ऑलरेडी हैड अनाउंस्ड द टी20 स्क्वाड ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम। तो गाइस कैसे आप सब, बढ़िया होंगे? मैं भी बढ़िया हूँ। तो गाइस आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं टी20 स्क्वाड, जो स्क्वाड बीसीसीआई ने ऑलरेडी अनाउंस्ड कर दिया है। तो गाइस इसी के बारे में हम आज डिस्कशन करने वाले हैं आप लोगों के सामने। तो गाइस वीडियो को अंत तक देखना, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना फटाफट से, और गाइस अभी जाके चैनल को नीचे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। तो गाइस शुरुआत करते हैं वीडियो को। तो गाइस एक एक करके मैं नाम लूंगा 16 प्लेयर्स का स्क्वाड में जो है, तो ठीक से सुनना, ध्यान से सुनना, और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उनका नाम दे दूंगा, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट मार लेना या कहीं पे नोट कर लेना। तो गाइस पहले आते हैं टी20 स्क्वाड के अभी जो कैप्टन है रोहित शर्मा, पहले सेकंड केएल राहुल, थर्ड श्रेयस अय्यर, फोर्थ प्लेयर हैं सूर्य कुमार यादव, फिफ्थ प्लेयर ऋषभ ताबड़तोड़ पंत, सिक्स्थ प्लेयर हैं रविंद्र जडेजा, सेवेंथ प्लेयर अक्षर पटेल, एट्थ प्लेयर रविचंद्रन अश्विन, नाइन्थ प्लेयर युजवेंद्र चहल, टेंथ प्लेयर वेंकटेश अय्यर, इलेवेंथ प्लेयर मोहम्मद सिराज, ट्वेल्थ प्लेयर यहाँ पर हैं हर्षल पटेल, थर्टींथ प्लेयर हैं हमारे रविचंद्रन अश्विन, फोर्टींथ प्लेयर दीपक चहर, और सिक्सटींथ प्लेयर हैं भुवनेश्वर कुमार, सॉरी गाइस भुवनेश्वर कुमार मैंने बोल दिया लगता है, दीपक चहर है 16th प्लेयर। तो गाइस ये था इंडियन टीम का, इंडियन क्रिकेट टीम का टी20 स्क्वाड। तो गाइस इनमें से जो प्लेइंग 11 उठ के आता है, मैं आज वही आपके सामने डिस्कशन करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो गाइस ठीक से सुनना प्लेइंग 11। तो गाइस प्लेइंग 11 में पहले ही दो ओपनर्स का नाम मैं बोल देता हूँ आप लोगों को। तो गाइस दो ओपनर्स जो हैं, पहले केएल राहुल, दूसरे रोहित शर्मा, ये दो ओपनर पहले मैच में जरूर उतरेंगे। पहले मैच क्या, मुझे लगता है पूरे जो तीन सीरीज है, मतलब तीन टी20 सीरीज है, उन तीन में ही ये दो प्लेयर ओपन में उतरेंगे ही, क्योंकि इन दोनों का फॉर्म बहुत ही बढ़िया है। हाल ही में कुछ दिन पहले टी20 वर्ल्ड कप जो तीन लास्ट मैच थे उनमें बढ़िया प्रदर्शन रहा है इन दोनों प्लेयर्स का। तो गाइस तीसरे में जो आते हैं, तीसरे में मैं चुनूंगा ऋतुराज गायकवाड़, या ये टीम ईशान किशन में भी भरोसा जता सकती है, क्योंकि गाइस बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन रहा है इन दोनों का ही। ऋतुराज गायकवाड़ तो आईपीएल में, मतलब 2021 के आईपीएल में ऑरेंज कैप के हकदार हैं, तो तीसरे में मुझे लगता है ऋतुराज गायकवाड़ के ऊपर ज्यादा, मतलब दौर, मतलब क्या कहते हैं, ज्यादा इन पे ही जमाएगा ये टीम इन पे ही। तो गाइस चौथे नंबर के प्लेयर हैं, मैं उतारना चाहूंगा यहाँ पर सूर्य कुमार यादव, क्योंकि बहुत ही बढ़िया फॉर्म है, देखा है हाल ही में मैच में हमने, तो गाइस आईपीएल में उनका बढ़िया फॉर्म था। यहाँ पर चौथे नंबर पे ईशान किशन को भी उतार सकते हैं ये टीम, ईशान किशन मुझे नहीं लगता। फोर्थ में मैं रखूंगा सूर्य कुमार यादव को, ये मेरे तरफ से पक्का है। फिफ्थ में है एक ताबड़तोड़ बैट्समैन जरूर होना चाहिए, और वो है ऋषभ ताबड़तोड़ पंत। तो गाइस पंत बहुत ही बढ़िया आला फॉर्म में है, तो गाइस ये टीम पंत को ही रखना चाहेगी। तो पंत हो गए। छठा प्लेयर रविंद्र जडेजा, सर जडेजा सिक्स पे रहेंगे या नहीं? नहीं मुझे नहीं लगता सिक्स पे वेंकटेश अय्यर में ये लोग इंटरेस्ट दिखा सकते हैं, क्योंकि वेंकटेश का आईपीएल का सेकेंड हाफ का मुकाबला जो हो रहा था उनमें जितने भी मैच हैं उतनों में ही बढ़िया परफॉर्मेंस रहा है केकेआर के तौर से, जब खेल रहे थे बढ़िया प्रदर्शन किया है, और वो अपना पूरा दे के, मतलब पूरा अपना एनर्जी और पूरा अपना वेस्ट दे के इंडियन टीम को जिताने का समर्थन रखते हैं, और उन्होंने बोला भी है ये
कि वो बेन स्टोक्स के जैसे ऑलराउंडर होना चाहते हैं। तो गाइस सेवेंथ में मैं लूंगा यहाँ पर रविंद्र जडेजा को, और मतलब ऑलरेडी ये टीम रविंद्र जडेजा को ही विश्वास जताना चाहेगी। तो गाइस एट प्लेयर हैं, मुझे लगता है अक्षर पटेल होंगे या इनके जगह रविचंद्रन अश्विन होंगे, इन दोनों में से कोई एक, क्योंकि इंडियन क्रिकेटर मतलब इंडियन क्रिकेट टीम इन दोनों में से किसी एक को चुनेगा, क्योंकि इंडियन क्रिकेट टीम दो ही स्पिनर को मुझे लगता है खिलाएगा तीन T20 सीरीज में, तीन स्पिनर यहाँ पर नहीं उतराएंगे मुझे लगता है। या एक नाम और है वरुण चक्रवर्ती को भी इन तीनों में से किसी को भी ये टीम रख सकती है इस पोजीशन में, वरुण चक्रवर्ती या रविचंद्रन अश्विन या अक्षर पटेल। नौवे प्लेयर दीपक चाहर को ही लूंगा मैं, क्योंकि बॉल बहुत ही बढ़िया स्विंगिंग कराते हैं, आईपीएल में हमने देखा है बहुत ही बढ़िया स्विंग कराते हुए इन्हें, और स्विंग के साथ विकेट तो झटकते हैं पास में, बल्ला हाथ में भी बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन रहता है इनका। तो गाइस बहुत रन भी बनाए इन्होंने, मुश्किल में जब इंडिया पड़ेगा तो ये सहायता जरूर करने आएंगे, मेरा पूरा विश्वास है। तो गाइस इनको तो मैंने नौवे प्लेयर के हिसाब से रख लिया। दसवें प्लेयर मेरे होंगे हर्षल पटेल, अनकैप प्लेयर है, अभी तक थे पर अभी खेल रहे हैं, तो गाइस अनकैप प्लेयर हो सकते हैं, पर बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन रहा है 2021 के आईपीएल में, दो बार हैट्रिक ले चुके हैं ऑलरेडी गाइस, दो बार मतलब दो मैच में 6 विकेट, दो बार एकदम लगातार बॉल डाल के कौन ऐसा 3-3 विकेट झटक सकता है, एकदम हैट्रिक ले लिया दो बार यार, बढ़िया है। तो गाइस दसवें नंबर में मैं इन्हीं पे विश्वास जताऊंगा बहुत ही, और मतलब 2021 में पर्पल कैप के भी दावेदार रह चुके हैं और ले भी चुके हैं पर्पल कैप। तो गाइस दसवें प्लेयर तो हो गए, लास्ट एंड फाइनल प्लेयर मैं दोनों को चुनूंगा, उनमें से किसी एक को इंडियन टीम चूज करेगी 11th प्लेयर के तौर। दो प्लेयर है मोहम्मद सिराज, और उनके बदले आवेश खान को भी ये टीम, मोहम्मद सिराज या आवेश खान, इन दोनों में से कोई एक प्लेयर ये टीम चुनेगा, देख लेना आप लोग। मुझे लगता है आवेश खान को मौका देना चाहिए, क्योंकि युवा है और बढ़िया प्रदर्शन कर सकते हैं, बढ़िया प्लेयर है ये। तो गाइस यही था हमारा प्लेइंग 11, पहला T20 का, सेकेंड T20 का मैं वीडियो दे दूंगा। तो गाइस ऑलरेडी, और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक से नहीं सुने हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं 16 जो प्लेयर्स हैं उनके नाम मैं दे दूंगा। तो गाइस आज के लिए यही वीडियो काफ़ी है, तो गाइस आज के लिए यहीं रुक देते हैं। तो गाइस वीडियो कैसा लगा आपको, अच्छा लगा तो फटाफट से लाइक कर दो, और चैनल को नीचे जाके सब्सक्राइब बटन में प्रेस करके बेल आइकन को दबा दो। तो गाइस आज के लिए इतना ही, हैव अ गुड डे, नमस्कार।